नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आप लोग को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो किडनी में, डायलिसिस पे हो या स्टोन हो, किडनी में पेन हो, क्रिएटिनिन लेवल कम हो गए हो, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए दोस्तों, आप ये जो लाइन है मिडिल फिंगर का, जो ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट में आप पॉइंट दबा के आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए दोस्तों, ये जो पूरा पार्ट है ये किडनी का फ्रंट पार्ट है, ये राइट, ये लेफ्ट और ये बैक है दोस्तों। हर एक ऑर्गेन के चार पार्ट होते हैं। और अगर मुझे स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे, इस जगह से इस पॉइंट को ढूंढेंगे या स्ट्रेट में फर्स्ट में कहाँ पेनफुल पॉइंट है वहां ढूंढ के ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इस साइड ढूंढ के ट्रीटमेंट करेंगे, फिर ये साइड में, फिर बैक में आएंगे तो फिर पहले सेंटर, फिर राइट, फिर लेफ्ट। यहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिला तो वहां पे पेनफुल पॉइंट में सीड्स लगाने दोस्तों। कैसे सीड्स लगाने हैं ये देखिए, सीड्स लेके इस जगह पे जहां भी पेनफुल पॉइंट होगा उस जगह पे सीड्स लगाना है, ये सेंटर। इसके अलावा दोस्तों यहां नहीं मिला तो ये जो लाइन है इस लाइन पे दोस्तों चारों तरफ से देखेंगे किस जगह पे पेनफुल पॉइंट है। और पेनफुल पॉइंट को ढूंढने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मूंग के दाने का नहीं समझ में आए, एक ये सीड्स है जो बैलेंस सीड है, इसे मूंग के दाने का चेन जो है आप उसे लगा सकते हो दोस्तों। ये ऐसे करके, ये मूंग के दाने का चेन चारों तरफ से ऐसे करके लगा सकते हो दोस्तों, और ये लगा के 6 घंटा रखना है। एक दिन लेफ्ट में लेना है, राइट लेफ्ट ऐसे करके चेंज कर करके बनाना है दोनों में। इसके अलावा दोस्तों एज ए ट्रायोरोजिन चार ऑर्गेन है, चार पार्ट में, चार पार्ट होता है, उसे क्या करना है दोस्तों, ये इस जगह पे, ये लेफ्ट यहाँ पे, वन पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट में, हर एक ऑर्गेन में इस तरह से लगा, इसे भी 6 घंटा रख सकते हैं दोस्तों, चाहे ये लगाना है ये लगा के, और इसका फायदा उठाना है दोस्तों। अगर आपको लगता है इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है तो दोस्तों दूसरों को एक साथ शेयर कीजिए, बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।